तो आज पहली बार हम लोग 4 बजे उठने के बाद 4 बजे से हम लोग यहाँ पे नीचे उतरे और यहाँ पे देख रहे थे तो कोई पब्लिक नहीं था। और हम आज जाने वाले थे दमन, जो सूरत का सबसे ज़्यादातर पब्लिक वहाँ पे ही होता है, तो मैं भी वहाँ पे पहुँचने के लिए रेडी था। और जाते जाते मैं वीडियो शूट किया तो यहाँ पे सूरत में बहुत सारी बढ़िया, यानी सूरत में प्राण प्रतिष्ठा, अयोध्या में श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने की वजह से सूरत में भी काफ़ी बढ़िया तैयारी की गई थी। तो हम लोग अभी गाड़ी चलाते चलाते पहुंच जाते हैं रेलवे स्टेशन, और यहाँ से हम लोगों ने टिकट ली। टिकट लेने के बाद हमारी ट्रेन यहाँ पे आ गई थी। ट्रेन में बैठने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं दमन, और मेरे साथ, मैं अकेला नहीं था आज, मेरे साथ एक डिज़ाइनर जो मेरा फ्रेंड भी है और डिज़ाइनर भी है, जिसका नाम है अभी। हम लोग यहाँ से ट्रेन में बैठने के बाद फाइनली पहुँच जाते हैं दमन। ट्रेन में 5 बजे के बैठने के बाद हम लोग यहाँ से जल्दी जल्दी पहुँच जाते हैं। 7:30 बजे तक हम लोग वापी पहुँच जाते हैं। तो वापी जंक्शन पे उतरने के बाद यहाँ पे देखते हैं काफ़ी सारी भीड़ लगी है, उसके साथ भी पूरा दिन भी निकल चुका है। तो हम लोगों को लगी थी बहुत सारी भूख, और हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे थे नाश्ता, और हेल्थी नाश्ता ढूंढने के लिए हमको नीचे जाना पड़ेगा यहाँ से। तो हम लोग अभी यहाँ से निकल पड़ते हैं आगे, और यहाँ पे हम लोग नीचे उतरने के बाद यहाँ से हमको ये वापी का बोर्ड दिखता है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। फिर आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे हमको नाश्ता में मिल जाता है इडली, और हम लोग यहाँ पे अभी इडली का नाश्ता करेंगे। और इडली वाले भैया को थैंक यू बोलने के बाद फिर हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं वापी से आगे दमन की तरफ। तो दमन हम लाइफ में पहली बार जा रहे थे, जिसकी वजह से हमको यहाँ का जाने का रास्ता पता नहीं था। तो जैसे जैसे वापी में आगे बढ़ते थे तो हमको पता चलता है कि यहाँ पे दमन तो आज बंद है, क्योंकि भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा है, जिसकी वजह से आज दमन बंद है। तो हम लोग थोड़े थोड़े आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे हमको भगवान श्री राम का बहुत सारा यहाँ पे देखने को मिल जाता है सेलिब्रेशन। तो हम लोग यहाँ पे रास्ता पूछते हैं, तो यहाँ पे ये भैया को रास्ता पूछने के बाद हमको पता चलता है ये भैया भी यहाँ पे नए हैं। तो फिर हम लोग पहुँच जाते हैं बस स्टैंड, तो यहाँ से हम लोग बोलते हैं आपको थोड़ा बहुत। तो अभी हम लोग पहुंच गए वापी, और वापी में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया इडली, और इडली के साथ अभी हम लोग यहां पे बैठे हैं बस स्टैंड पे, और अभी हम लोग जाने वाले हैं दमन। तो दमन की बस आते ही हम लोग वहां पे चले जाएंगे। हम लोग अभी दमन आए थे, और हमको रिक्शा और टैक्सी सब कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा भाड़ा बोल रहे थे, चार्ज बहुत ज़्यादा ले रहे थे। तो हमको ये काका मिल गए, और इसने हमको फ्री में यहाँ तक ड्रॉप कर दिया, उसके साथ हमको यहाँ से जाने का भी सेटिंग करवा दिया है। तो बहुत ही अच्छे अंकल है, तो इसके लिए हम आपको बहुत थैंक यू बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मोटी दमन फोर्ट। तो ये है मोटी दमन फोर्ट, और यहाँ पे एंट्री करते ही हमको यहाँ पे दिख जाता है बहुत बड़ा टेंट, जो युद्ध में यूज़ हुआ टेंट है। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है टेंट, जो अपना किला है उसका दरवाज़ा। तो यहाँ से ये दरवाज़ा कुछ ऐसा और बहुत ही पौराणिक दिखता है, और यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से एंट्री करने के बाद फिर जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो यहाँ से आप ऊपर देख सकते हो, वहाँ पे साइड, यहाँ से आप लेफ़्ट साइड लोगे तो वहाँ पे सीढ़ी आती है, वहाँ से आप ये पूरे फोर्ट के ऊपर चढ़ सकते हो, और यहाँ से फिर आपको पूरा फोर्ट आप घूम सकते हो। तो हम लोग ऊपर तो नहीं जाने वाले हैं, हम लोग यहाँ से आगे जाने वाले हैं और नीचे का पूरा कवर करेंगे। तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ने के बाद सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे सर्च में। तो उससे पहले हमको यहाँ पे कुछ इतने ब्यूटीफुल हाउस दिख रहे हैं, जहाँ पे लोग प्री वेडिंग और फ़ोटोशूट करवाने के लिए बहुत आते हैं। तो आपने भी कुछ देखा ही होगा ऐसे फ़ोटो, और आपको भी लगता होगा कि ये गोवा वाली वाइब है। तो नहीं, ये गोवा वाली नहीं है, ये दमन वाली वाइब है।
मेरे पीछे आप जो ये चर्च देख रहे हो इसका नाम है द चर्च ऑफ होली जीसस, और ये 1603 में बनाया गया था, जो पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था, और दमन का सबसे पहला चर्च ये था। करीब करीब 400 साल ये पुराना चर्च है, और आपके अंदर आपने देखा अंदर कलाकृति का नमूना कैसा है। तो ये है कुछ चर्च, और अभी हम लोग यहाँ से बढ़ रहे आगे और दूसरा जगह आपको दिखाते हैं, तो चलिए वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। सब लोग दमन यहाँ पे पीने के लिए आते हैं, और खासकर सूरत से तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे पीने के लिए आते हैं, लेकिन हम लोग पीने के लिए नहीं आए। हम और ये भाई मेरा डिज़ाइनर ही है, तो हम लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, और ये दमन में क्या क्या घूमने के लिए जगह है वो जगह आपको दिखाने के लिए आए हैं। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। आप कुछ कहना चाहते हो? हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आए हैं, और हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा नेचर और हमारे इंडिया का इन्वायरमेंट कितना बेस्ट है। हम आप सबसे यही जो गुजारिश करेंगे कि आप सभी आइए, घूमिए और इंडिया का टूरिज्म बढ़ाइए। ये इसलिए बोला क्योंकि इसके मम्मी पापा को इसके ऊपर भरोसा नहीं था, शायद ये यहाँ पे आके पी सकता है। नहीं, लेकिन हाँ, हम लोग हैं जो पूरा अल्कोहल फ्री हैं, हम लोग कोई जो ड्रिंकिंग नहीं करते हैं, यहाँ तक किसी भी प्रकार का टबैको यूज नहीं करते हैं अपने डेली लाइफ में, वेस्टर्न फ्री। तो अभी आपने मेरे साथ कवर किया इस फोर्ट को, और पीछे आप देख सकते हो अभी फोर्ट है ही यहाँ पे, तो उसके साथ हमने सर्च भी कवर किया है। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं जामपुर बीच की तरफ, तो मैं एक व्यू आपको दिखाना चाहता हूँ, जो व्यू आपने 100% दमन के कोई भी वीडियो आपके पास आए होंगे तो उसमें आपने देखा ही होगा। तो चलिए उस व्यू को देखते हैं। क्या ब्यूटी है दमन की, बच गए हम लोग टकराते। ये बात तो सही है। और आप देख बहुत सकते हैं, बहुत ही पीसफुल, क्या कहना चाहते हो? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी सारी पानी है और कितने सारे शिप्स पड़े हुए हैं, और जो कि अभी कुछ तो बंद पड़े हुए हैं और कुछ चालू भी हैं। यहाँ का इन्वायरमेंट काफी शांत है, पीसफुल, बहुत ही शांति गाइज, बहुत। और इतना ब्यूटीफुल नजारा यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा नजारा यहाँ का दिखाता हूँ फिर से एक बार, तो देखिए बहुत ही शांति वाली आपको वाइब आएगी यहाँ पे। अभी हम लोगों ने छोटा सा ब्रेक लिया था वहाँ पे लंच करने के लिए, फिर अभी हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं यहाँ से बीच की तरफ, और यहाँ पे बीच ही है लेकिन जो हम जिस बीच पे जा रहे हैं वो बीच हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा है और बहुत ही शांति है अभी तक भी, और धूप आ चुकी है लेकिन कोई पब्लिक नहीं आया है यहाँ पे। तो आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं और कैसा है नज़ारा आपको दिखाएंगे वीडियो में। Thank you.
चलते चलते हम लोग थक गए हैं और हमको लगा था 1 किलोमीटर ही दूर है जामपुर बीच, जिसकी वजह से हम लोगों ने बाइक तो नहीं ली लेकिन कुछ रिक्शा में भी नहीं गए। चलते चलते अभी थक गए हम लोग बहुत और बहुत ही गजब की भूख लगी है, तो अभी हम लोग वहाँ पे पहुँच के खाना खाएंगे कुछ, और थकावट भी काफ़ी महसूस कर रहे हैं तो हो सकता है कि हम लोग थोड़ी देर के लिए स्टे लें। तो अभी हम लोग चलते चलते फाइनली पहुंच जाते हैं जामपुर बीच और हम यहाँ पे करने बैठे हैं लंच, और बहुत ही बढ़िया यहाँ से सुकून दे रहा है इस नज़ारे को, बहुत ही मज़ा आ रहा है और बहुत ही ठंडा पवन है यहाँ पे, और चलते चलते काफ़ी थक गए थे तो जिसकी वजह से अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर आराम करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जामपुर बीच बहुत ही बढ़िया बीच मेरे को अभी यहाँ पे आके लगा है, क्योंकि पीछे भी देख सकते हो एकदम गोवा वाली वाइब आएगी आपको, और यहाँ पे काफ़ी पब्लिक, बहुत ही पब्लिक कम है, मतलब पब्लिक मेरे को यहाँ तक आया हूँ मैं, आगे मेरे को कोई दिखा नहीं है, तो शांति है वैसे, मज़ा आ रहा है। तो चलिए अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत लंच कर लेते हैं, उसके बाद आपको ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने भी लंच कर लिया और यहाँ पे जो स्ट्रीट डॉग होते हैं दो दो, उनको भी थोड़ा बहुत खाना खिला दिया है, और मेरे को यहाँ पे बहुत ही शांति का एहसास हो रहा है, जाने का मन नहीं हो रहा है। और मैं एक बात सजेस्ट करूँगा, यहाँ पे आप आते हो तो फैमिली के साथ भी आओ, वैसे यहाँ पे सब लोग कहते हैं कि पीने के लिए आते हैं, लेकिन आप यहाँ पे पीने के लिए नहीं, यहाँ पे जीने के लिए आओ, मतलब शांति का एहसास करने के लिए आओ, बहुत ही बढ़िया जगह है यार, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, पिकनिक स्पॉट के लिए भी बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पे आके आप बैठो, शांति का एहसास करो, खाना पीना खाओ, मौज मस्ती करो, बहुत ही बढ़िया जगह है। और पीछे यहाँ पे बीच है और यहाँ पे सब कुछ अभी डेवलपमेंट हो रहा है, आगे आगे डेवलप होगा सब, बहुत बढ़िया होगा चीज़ यहाँ पे, और रात का भी बहुत बढ़िया नज़ारा होता है। तो आप एक बार दमन की ट्रिप जरूर से करना और बकेट लिस्ट में दमन को जरूर से रखना। कुछ ऐसा रहा हमारा दमन का सफ़र, और यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे है, उसके साथ यहाँ पे देखने के लिए ब्यूटीफुल बीच है और फोर्ट भी है जो हमने आपको आगे दिखाया। वैसे फोर्ट जो है वो पूरा ऐसा कवर है कि आपको लगेगा नहीं कि आप फोर्ट के अंदर हो, वहाँ पे हमने जो सर्च दिखाया था आपको वो फोर्ट था पूरा अंदर। तो कुछ ऐसा है, उसके साथ एक बीच है, ये जामपुर बीच है और वहाँ पे एक है देवका बीच, तो दोनों बीच आप कवर कर सकते हो, उसके साथ यहाँ पे नाइट स्टे भी कर सकते हो, आप काफ़ी सारी होटल मिल जाएगी, उसके सिवा आप ट्रेन में, सूरत से हम लोग आए थे यहाँ पे, तो ट्रेन में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और वापसी से उतरने के बाद वहाँ से आपको रिक्शा या बस आपको मिल जाएगी, दमन में आपके दमन आने के बाद यहाँ पे आपको बाइक रेंट पे मिलेगी, बाकी आपको यहाँ पे रेंट में बाइक मिलना वापसी से मुश्किल है। तो बहुत ही बढ़िया जगह है, फैमिली के साथ आओ, फ्रेंड के साथ आओ, कुछ भी आप कपल के साथ भी आ सकते हो, तो यहाँ पे आप ज़रूर से विजिट करना, बहुत ही बढ़िया जगह है, शांत जगह है। तो ये सफ़र आपको कैसा लगा, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता जी, जय श्री कृष्ण।